Chalo, let's go. So she gave Chelly, you be a good girl. You're a nice girl. You're a good baby. Okay? Behave well. Because yes. Aunty ko tang nahi karna bilkul bhi. Theek hai? Okay. मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है चेरी का और कैंडी की सर्जरी। रोना नहीं है। तो इन दोनों को मैं लेके जा रही हूँ। इनको सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया है, पीने के लिए नहीं दिया, रात से ही नहीं दिया है। मेरा लास्ट जो था डिनर था, डॉक्टर ने बोला था इनका पेट एकदम खाली होना चाहिए। अब मैं जा रही हूँ, मेरे को अगला दोस्त मिलेगा, फिर वहां से एक और दोस्त मिलेगा और उसके बाद वहाँ पे जाएंगे। लोगों को चेंबूर पहुंचना है जो कि दूर है। बाकी अविनाश चला गया है, उसकी इम्पोर्टेंट नरेशन थी तो वो नहीं आ पाया है, विच इज ओके, कोई बात नहीं है क्योंकि मैं हूँ इधर हैंडल करने के लिए। तो मैं लेके जा रही हूँ, आपको मिलती हूँ रास्ते में। तो जी, इनको बिठा दिए गाड़ी में और ये हंगामा मचा रही है। अब मेरे को ना इनको अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट क्या ही करूँ। आगे मेरा दोस्त मिलेगा, मैं दोस्त को कॉल कर देती हूँ। चेरी बहुत ज्यादा हाइप पर है और यार दोनों की आज ही इकट्ठे ही सर्जरी है। मतलब इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल टुडे। इनको वापस लाना ना, उसमें मेरी जान जाएगी। मेरा फ्रेंड आ चुका है, ज्वाइन कर लिया है, जो कि फ्रेम में नहीं आएगा। दूसरा दोस्त मेरा फ्रेम में आएगा, आपको बेल्ट लगानी पड़ेगी। मैं अभी आपको आगे मिलती हूँ। एक बार जरा मैं सेटल हो जाऊँ इन लोगों के साथ। मैं यही बोलती जा रही हूँ लेकिन व्लॉग पूरा कर रही हूँ। मैं जरा सेटल हो जाऊँ इन लोगों के साथ एंड देन आई विल सी यू अगेन। यहाँ से शामुन टेक ओवर कर रहा है गाड़ी, मैं पीछे जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो आओ, क्या हुआ, क्यों इतनी हाइपर हो रही है? मुझे मिलना है उन लोगों को। हाँ चेरो, आराम से मिलना है, ये पागल हुई हुई है। समझाओ इतनी हाइपर हुई हुई है, गाड़ी नहीं चलाने दे रही थी यार। अब तो बैठ गई ना पीछे। मतलब मैं इतना, मतलब आज पेनफुल गाड़ी चलाई है ना मैंने, मैं क्या बताऊँ। ये पता ही नहीं इसको इतनी हाइपर क्यों हुई हुई है। उसे पता है हम डॉक्टर को जा रहे हैं, तो कहीं तो मुझे ले चल रहे तुम लोग, कांड कर रहे हो। बच्चा ठीक हो जाएगा ना। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक्चुअली आज क्या होने वाला है, अगर किसी को नहीं पता जो आज मेरे ब्लॉग से जुड़े हैं लोग उनको बता देती हूँ कि चेरी की आंख के पास का ऑपरेशन है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो इसके एक्स्ट्रा मास है ये इसको बहुत बॉदर कर रहा है, और इस आई का भी एक्स्ट्रा मास है जिसकी वजह से इसकी आंखें खराब हो रही है। एक तो उसका ऑपरेशन है, कैंडी का यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, उसकी सर्जरी है। तो कैंडी के लिए ज्यादा मेजर सर्जरी है ये। इसके बाद भी कुछ दिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कैंडी का। ये है एक इम्पोर्टेंट अपडेट। अगर आप लोगों को नहीं पता था कि ये काई के लिए जा रहे हैं या सर्जरी काई की है, तो उन लोगों को मैं अपडेट कर देती हूँ जो मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया है, या फिर वो लोग जो सब्सक्राइब तो कर चुके हैं लेकिन देखते रहे हैं, उन लोगों को बताना चाह रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों। शामुन मेरा मतलब सबसे पहला दोस्त रहा है, मतलब एक और दोस्त था जिसने मुझे इंट्रोड्यूस करा। तब से कितने साल हो गए शामुन? 20 साल, 23 साल, 23 साल हो गए शामुन के साथ दोस्ती है। लड़ाइयां हुई हैं, सब हुआ है, एक दूसरे को मारा नहीं है बस हमने, बट हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई। होते ना आपकी एज होती है जहाँ पे लड़ मरते हो, हम तो आज भी लड़ मरते हैं। चलो बच्चों, चलो 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 चलो, आ जाओ मेरे पापा, आ गया। हाँ बेटा, रोने वाली यार बात नहीं थी। आप आराम से उतरोगी, सुसु करोगी, माँ का खून नहीं पीना बिल्कुल भी, पेमेंटे देनी है माँ को। बेटा रुकेगी तो सही, पागल पागल औरत यार, ये कितनी हाइपर कुतिया है यार। चलो चलो, इसको ना नीचे उतारा, आई थिंक ये सुसु करेगी शाम को, कर लो कुछ करना है तो, बोलना नहीं बाद में, मिलेगा नहीं मौका। यहाँ से जाना, बच्चों का ख्याल तो देखो माँ बाप को ही रखना पड़ता है। बाप गायब है। और क्या, हम काई को चले हैं जिसके पैर में तकलीफ है, और उसके लिए पहला माला क्या, दो माला क्या? देखो एक उम्र की भी होती ना, उम्र के बाद फिर चेरी, हाँ कैंडी, चेरी एंड कैंडी बोथ, दोनों का सर्जरी है ना, वो इसमें नहीं डाला हुआ। चलो गोदी में चढ़ के बैठ गई। गुड गर्ल ना चेरो, यू गुड गर्ल ना, यस गुड। इसको लगता है कि ये बहुत छोटी है साइज, ये तो बैग ही पार्क करके अपने आप को, वो भी आवाजें देगी, वो वहां से मुझे आवाजें देगी। जा जा जा।
So here you have to just manage her movement for about 5 days after the procedure. Okay. Only today when they go home, because both of them would have received general anesthesia, they're going to act a little strange. It all depends on how each individual is different. So some of them talk more, so you might hear some whining, crying, all of that. Okay. Some of them just sleep it off. Some of them eat more after the surgery. Some of them prefer not to eat in the whole day. Okay. We anyway cover them with glucose. Is it going to be a little painful for Candy? Uterus removal then? We will be giving her 3 painkillers today. So okay, that's not going to be painful for her. So what I would say is we'll do a cherry first. If you can wait for half an hour, then you can wait down only with Candy. Okay. And when we're like kind of almost done with cherry, we'll take Candy up, because otherwise she'll just I just want to be there while you're giving her anesthesia. So she's anyways a very hyper doctor. I need to be around. Actually, it takes 2 hours for anesthetic recovery. So if you want to take them both together, which is what I would recommend, that they both go home together. Yeah. Then, so around, I think between 4:35, both will be discharged. Okay. Yes. Chalo, let's go. So she's giving Cherry, you be a good girl. You're a nice girl. You're a good baby. Okay. Behave well. Because yes. आज के तंग नहीं करना बिल्कुल भी ठीक है? Okay. Good girl. Everything is okay. Chalo. I go now. Yeah. Cherry. उनको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हर, बिकॉज दे गेट वेरी हाइपर इन फ्रंट ऑफ देयर ओनर्स. तो वो मेरे को तो देखते ही वैसे ही वो मचल जाती है ना, बट ले मेरी बच्ची कैंडी की ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सर्जरी है. चेरी की नहीं है, उनका चेरी के तो मास ही निकलना है, उसको पूरा यूटरस निकलना है. तो चेरी की सर्जरी अब स्टार्ट हो गई है, एनेस्थीसिया देंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. और उन्होंने बोला है आप आधे घंटे के अंदर वापस आओ. तो हम लोग एक एक कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, आधे घंटे में वापस आएंगे. उसके बाद कैंडी का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, विच इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो फिर हम लोग कॉफ़ी पीने निकल जाएंगे. संभावना अभी ऊपर चलेगी ये फटाफट कैंडी को लेकर, क्योंकि कैंडी का कॉल आ गया. हम लोग गाड़ी पार्क करने टाइम लगे, इसलिए हम भी ऊपर अभी जा रहे हैं. तो दोस्तों हम यहाँ पे नीचे आ गए हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि ऊपर तो जाने नहीं देंगे बच्चों के पास. तो यहीं पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं. बैठ मार. दिस इज टू मच स्ट्रेस भाई. आई एम स्ट्रेस्ड. मैं चेरी को देख सकती हूँ जाके, काफी टाइम हो चुका. हाँ पूछना होगा उससे. हाँ वही आप ही पूछोगे ना. मैं कैसे पूछ रही हूँ. ऊपर तो नहीं भेजेंगे सर्जरी, ओपी तो अगर रखा होगा तो. तो चेरी हैज बीन अ गुड डॉग. डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं दी है चेरी ने. इसको मैं कुछ खाने के लिए अभी दे सकती हूँ. हम तो अभी कुछ खाएंगे, हमें भूख की भी तो लगी है. हमने कल रात से कुछ नहीं खाया, सबको बता दो. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी भी पूरे उसमें नहीं है, होश में नहीं है. अच्छा इसमें भी उसको याद है कि दूसरे डॉग्स हैं, उनको घूर रही है, घूर आ रही है कि आना नहीं यहाँ पे मेरा बच्चा. आप तो एकदम ठीक हो गए हो चेरी, पता है आपको. उसको वो प्यार करना चाह रही है मुझे. अभी भी उसमें एनेस्थीसिया का इफेक्ट है. आज इन दोनों को साथ में हैंडल कर रहा है, इज़ गोइंग टू बी अ टास्क. देख रहे हैं इसकी जीप अंदर नहीं जा रही, बाहर जो निकली. ले चल चलो, पानी पी लो, पानी पी लो. ओके गुड गर्ल, गुड गर्ल. बाज बाज बाज. बाबा के लिए ताकि ताया खाने का भूखी लगे चेरी को. इनके भी लंबा बाबा का बाबा खाने का आएगा जब. अच्छा भूखी लगी हुई है ना, खा
तो जी कैंडी के लिए कॉल आ गई है, बुला लिया गया मुझे, अभी इसको हैंडल करते हुए ऊपर लेके जा रहा हूँ। टाइम आ गया घर जाने का। अब मैं देखती हूँ कैंडी की थोड़ी सी डिफिकल्ट आंसर रही है सर्जरी, मुझे डॉक्टर ने बताया, हाँ लगभग बाद में जाके बताऊँगी। Oh, this has been a very difficult day. Yeah. Why, baby? If you put her down, she throws a tantrum. Yeah, she wants to eat. Okay, no, Baba. No, Mama. When can I give her something to eat? As soon as you go home. Okay. Not now? Wait till you go home. All done. You're going home. Yeah. So we are done. Thank you so much, Doctor. No problem. And all is fine with her, yes, no? Yes, everything is good. She was also very good under anesthesia. Yeah? Subject. Yeah, you have also been a good girl. Mama. She's very sweet. Chal. Yeah. She's very, very, very sweet. Both of them actually. But thank you so much, no Doctor. Problem. See you. Yes. कि कैंडी इतना रो रही है, अब इसको मैंने ऐसे करके सुलाया है गोदी में, तो आई थिंक अभी थोड़ा सा गहरी नींद में है, बट जब रोना शुरू करती है ना तो बहुत बुरी तरह से रोती है। चेरी ओके है, चेरी मुंह में बैठ के मम्मा को देख रहे हैं, लेकिन कैंडी अभी तक आई थिंक अभी तक हेलुसिनेट कर रही है, ये अभी तक वो पूरा एनेस्थीसिया से बाहर नहीं आई है। जब तक ये पूरी तरह से बाहर आएगी तब तक इसकी हालत और ज्यादा खराब होगी। आई एम श्योर इसको पेन भी होगा, रात के लिए तो पेन किलर दी है डॉक्टर ने, बट पेनफुल तो बेचारी बच्ची के लिए है ये। अभी जितना बस मेरे को बस घर पहुंच जाऊं इसको लेके, अभी भी आधे रास्ते पे पहुंचे हम लोग, टाइम लगेगा घर पहुंचने में। आई जस्ट वांट कि घर पे जाके ना अपनी बच्ची से मिलके थोड़ी सेटल हो जाएगी, बच्ची भी रो रही होगी। बच्चा अभी कह दो तो घर पहुंचने वाले बाबू। हाँ हाँ, नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। आगे घर आ गए हम लोग, घर आ गए बच्चा, घर आ गए। चलो मम्मा पापा आ रहे हैं नीचे लेने, आ रहे हैं पापा। पापा के कपड़े कहाँ गए? कौन धो रहा है ये? तुम चेरी को वहां से लो, चेरी को वहां से लो, हटो। अरे मेरा बाबा, आज मेरा बच्चा थोड़ा सा होश आया है कैंडी को। घुमाना भी है इनको ना थोड़ा, चेरी को थोड़ा सा चला के ले लो अगर सुसु करना चाहे वो। तो अभी भी पूरी तरह से वो कोई नहीं है, होश में नहीं है, इसने कुछ नहीं खाया हुआ है। दोनों ने तो देखो, आए मेरी बच्ची, बहुत परेशान है उसकी, दोनों माली थी ना आज। मामा मामा आ गई, मामा आ गई, वही वो कैंडी की मामा आ गई, वही कैंडी की मामा आ गई, कैंडी की मामा, कैंडी की मामा, छुनछुन की मामा आ गई। आज आ जाओ। चुनचुन एकदम परेशान है, मेरी माँ को क्या हुआ? वो पूरा उसका नीचे लिख कर रही है। चुनचुन नो, थोड़ा चलो, थोड़ा थोड़ा चलो आज। बोला डाकू की आंख एकदम क्लीन हो गई, बड़ी बड़ी आंखें एकदम क्लियर दिख रही है। आगे माँ बोले अच्छे से निकाला है। हाँ हाँ, बहुत इसको इसका प्रॉब्लम नहीं है, अब बस कैंडी का ना केयर करना पड़ेगा। कितने दिन? 5 दिन कम से कम। वो लगा रहेगा नेट जो है? अब ये तो मुझे पता नहीं है, तो कल डॉक्टर डिसाइड करेंगे। बट क्या क्या करना अलाउ नहीं है उसको? कुछ भी अलाउ नहीं, कोई जंपिंग नहीं, कुछ नहीं, उसको ऊपर भी लेके सोना नहीं है, गलती से भी। वो कैसे पूरी माँ को स्कैन कर रही है? हाँ काफी देर हो गई घर पे आए हुए, बच्चे तब से आराम कर रहे थे। समोना चेरी को लेके नीचे गई थी, लेकिन कैंडी ले जाने की हालत में है नहीं, पेन में अभी बीच बीच में रो रही है। चुनचुन ने इतना प्यार किया उसको कि मेरी माँ को क्या हो गया, दोनों कान साफ किए हैं, और एक बार कैंडी ने उसको काट लिया क्योंकि शायद उसको दर्द होगा, लेकिन चुनचुन बहुत परेशान है। और अब हमने डिसाइड किया है क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है कि कैंडी को नीचे सुलाना है, उसको ऊपर नहीं चढ़ाना क्योंकि कूद सकती है और कूदने से उसका जो है जख्म बढ़ सकता है। तो भी इसको यहीं पे सुला रहे हैं ताकि ये आराम से सो जाएगी। खाना तो इसने देखो कुछ नहीं खाया, लेकिन मैंने एक छोटी सी ट्रीट दी है इसको ताकि हल्का सा इसके मुंह में कुछ चला जाए। पानी नहीं पिए बिल्कुल भी, बट हो सकता है अभी रात को उठ के ये इधर पानी भी पिए, तो अभी आराम से देखेंगे। अब आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ मैं भी, कल सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज कीप कैंडी एंड चेरी इन योर प्रेयर्स, और इसी के साथ आपको मिलते हैं हम लोग कल। गुड नाइट। और देखो मेरे चाय बाबा की ना दोनों आंखों के ऊपर जो मास्क का टुकड़ा था वो निकल गया, एकदम क्लीन गर्ल हो गई, एकदम ओ क्यूटीफाई हो गया। दो बॉल लेके बैठी है भाई। अभी तो थोड़ा और जब ठीक हो जाएगी तो और क्यूटीफाई लगेगी। आप इस बार से चेरू के बाल बिल्कुल नहीं कटवाएंगे, मतलब गंजा नहीं करवाएंगे, नहीं कटवाएंगे। इतना प्यारा मेरा भालू लग रहा है, ये परेशान है मम्मा के लिए। बेटा आज मम्मा के साथ नहीं सोना, आज ऊपर सोना।